हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर बिगिनर्स वीडियो सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम होम टैब को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे, मतलब होम टैब के अंदर जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, जो भी सेक्शंस या कमांड्स दिख रही है, सबको हम विथ एग्जाम्पल एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले मैं पिछले लेक्चर की लेक्चर वन की समरी दे देता हूँ। तो लेक्चर वन में हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार और उसके जो भी ऑप्शंस हैं उन सबको एक्सप्लोर किया था। इसके अलावा रिबन क्या होता है, टैब्स क्या हैं, या फिर रूलर क्या है, स्टेटस बार, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज, जूम स्लाइडर और स्क्रॉल बार, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया था। इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है। इसके अलावा जो भी वीडियोज आएंगे, मतलब इस वीडियो सीरीज में टोटल 10 लेक्चर्स हैं, तो जो भी बाकी 9 वीडियोज हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगा। तो इस लेक्चर में हम होम टैब के अंदर जो भी सेक्शंस है या उनके अंदर जो भी कमांड्स है वो सब अब एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट वाला सेक्शन देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम थीम ऑफ फॉन्ट्स देखते हैं। ओके, तो इसके लिए ये मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और लेट्स से मैं कैलिब्री बॉडी। ओके, तो ऐसे ही आप दूसरे टाइप की थीम्स, जो भी आपको थीम अच्छी लग रही है, आपके डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड है, वो थीम आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कैलिब्री बॉडी या कैलिब्री लाइट, तो जैसे कैलिब्री बॉडी सेलेक्ट कर लिया मैंने, आप यहाँ से फॉन्ट थीम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके राइट में आपको फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिखेगा, तो अभी 11 है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, जैसे 14 कर दिया। आप यहाँ से टाइप करके भी इसको चेंज कर सकते हो, या उसके राइट में आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन देखेगा। इंक्रीज मतलब देखो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज फॉन्ट साइज मतलब डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, उसके राइट में आपको चेंज केस के ऑप्शंस दिखेंगे। चेंज केस ऑप्शंस मतलब जैसे इसमें 5 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेंटेंस ऑफ केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस केस में क्या है कि ये हर एक सेंटेंस को चेक कर रहा है, उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देगा। लोअर केस में सारे जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया आपने सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब छोटे लेटर्स में। अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब जितने भी वर्ड्स है सब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। टॉगल केस में मतलब अभी जो भी आपका डेटा है, जो भी टेक्स्ट डेटा है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है तो इसमें सिर्फ ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल केस है या लोअर केस है, तो इसमें ये ए को तो छोटा कर देगा, बाकी जितने भी लेटर्स है उनको अपर केस में कर देगा। तो इनका हम वन बाई वन समझते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, दिस वाज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, ओके, और दिस का मैं टी छोटा कर देता हूँ। और अगर मैं पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सेंटेंस केस करता हूँ, तो देखो दिस पहले छोटा था बट यहाँ पे टी बड़ा हो गया, मतलब ये हर एक सेंटेंस को चेक करता है और उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल कर देगा। इसके बाद लोअर केस करोगे तो सारे जितने भी वर्ड्स है सब लोअर केस में होंगे, छोटे वाले लेटर्स, अपर केस में सब बड़े वाले कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड, जैसे इज है उसका भी आई बड़ा, फ्रॉम का एक बड़ा, ए लेटिंग का एल बड़ा, वैसे तो ऐसे हर एक वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस में ये उल्टा हो जाएगा, जैसे ए बड़ा था एब्स्ट्रैक्ट में, ए तो छोटा हो गया, बाकी लेटर से वो बड़े हो गए, मतलब कैपिटल हो गए। ऑलराइट, तो हम फिर से टॉगल कर देते हैं। ओके, मैं कंट्रोल जेड करके जो भी चेंजेस थे उनको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये हुआ अपना चेंज केस के ऑप्शंस। उसके राइट में आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, बट अभी के लिए हमने उतनी फॉर्मेटिंग्स लगाई नहीं है, तो हम लगाने के बाद इस ऑप्शन पे फिर से आएंगे। उसके बाद हम जानेंगे बोल्ड वाले ऑप्शन को। तो लेट्स से मेरे को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, और आपको अगर पूरे टेक्स्ट डेटा को मान लो इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो आप आई से इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे ये इटैलिक हो गया। नेक्स्ट अंडरलाइन का ऑप्शन है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के अंडरलाइंस मिलेगी, जैसे सिंगल अंडरलाइन है, आप डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हो। ऐसे ही आपको अलग अलग टाइप के अंडरलाइंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे कलर भी दे सकते हो अंडरलाइन का, जैसे मैं रेड कलर में कर देता हूँ। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर टेक्स्ट या पैराग्राफ को किस टाइप की फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हो। ओके, अभी के लिए मैं अंडरलाइन है उसको हटा देता हूँ।
तो इस पे मैं क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद हम सीखते हैं स्ट्राइक थ्रू के बारे में। स्ट्राइक थ्रू में क्या है, मान लो कि लास्ट वाला लाइन है, इसको मैं हटाना है, इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। मतलब जब हम रिव्यू कर रहे हैं किसी का डॉक्यूमेंट, तो हम स्ट्राइक थ्रू यूज करके जिसने भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट है या ये पर्टिकुलर चीज़ है ये सही नहीं है, इसको हटाओ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो स्ट्राइक थ्रू काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपको कोई चीज़ कट करने के लिए। जैसे हम पेपर पे तो डायरेक्टली पेन से कट कर देते हैं, वैसे ही वर्ड में ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। आप जैसे ये सिंगल स्ट्राइक थ्रू है, आपको डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, तो इसके लिए यहाँ फॉन्ट में आपको राइट बॉटम जो ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना। ओके, तो आपको यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंदर ही डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिखेगा, उसको सेलेक्ट करके आपको ओके करना है। ऑलराइट, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके आप डबल स्ट्राइक थ्रू को सेलेक्ट करके ओके करो। तो देखो अभी यहाँ पे आपको डबल स्ट्राइक्स दिख रही है, आप यहाँ पे स्ट्राइक को हटा भी सकते हो, बट अभी के लिए हम रख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट में सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट है उसको मैं सबस्क्रिप्ट कर दूँ। तो देखो ओके, मेरे को सेलेक्ट करना होगा, इसको सबस्क्रिप्ट किया तो ये नीचे की तरफ आ गया, इसको सुपरस्क्रिप्ट किया तो ये देखो ऊपर चला गया। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है, जब आप एंड नोट या फुट नोट देंगे तब और थोड़ा यूज समझ में आएगा आपको। ऑलराइट, अभी के लिए मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट में रख देता हूँ। उसके बाद आपको राइट में या टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी दिखेगा, मतलब आप अपने टेक्स्ट डेटा पे कुछ इफेक्ट लगा सकते हो। तो जैसे मैं अपने डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे मान लो मेरे को ये इफेक्ट लगाना है। तो देखो अभी आपका डेटा ऐसा दिखने लग गया है, थोड़ा वियर्ड सा दिख रहा है, बट वही आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी आपको फॉर्मेटिंग लगाना है आप लगा सकते हो। आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल्स, लिगेचर्स, स्टाइलिस्टिक सेट्स, तो ये सब ऑप्शन आप खुद से एक्सप्लोर करना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम थोड़े से टेक्स्ट पैलेट से ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, और ये ऑप्शन है अपना टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मतलब आप टेक्स्ट पे कोई कलर हाईलाइट करवाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर हाईलाइट कर रहा हूँ, लेट से नोट रेड ग्रीन कर देता हूँ। ऐसे ही आप अलग टाइप के कलर से वो चूज कर सकते हैं। ओके, नो कलर मतलब कोई कलर नहीं है, तो ये ऑप्शन हुआ अपना टेक्स्ट हाईलाइट कलर। उसके बाद मान लो इतने से डेटा का मेरे को यहाँ पर फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो आप किस टाइप का कलर देना है वो कलर दे सकते हो। तो लेट से मेरे को इसको रेड कलर देना है, तो मैं रेड दे दिया। ऐसे ही आपको कलर, फॉन्ट कलर में और बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आप मोर कलर्स पे जाके उसको और अलग अलग कलर चेंज कर सकते हो। जैसे आप मोर कलर्स पे क्लिक करोगे आपको स्टैंडर्ड कलर्स जो पहले से ही डिफाइंड है वो दिखेंगे। कस्टम कलर्स मतलब आप खुद से RGB वैल्यूज है, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये 0 to 255 के बीच में वैल्यूज डालनी होती है, ये वैल्यूज आप एंटर करके भी आप अपना कस्टम कलर बना सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें भी आप एक्सप्लोर करना खुद से। तो ये बात हुई फॉन्ट कलर की। इसके बाद फॉन्ट में अभी ये एक ऑप्शन बचा है, वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो हम ये सेक्शन सेलेक्ट किए हैं और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, तो देखो सारी फॉर्मेटिंग हट गई, बस ये जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है बस वही नहीं हट रहा है। तो फॉन्ट क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, वो आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर को छोड़ के जितने भी टाइप की फॉर्मेटिंग्स है उनको ये हटा देता है। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगाई बट अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको हटाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके सारी फॉर्मेटिंग हटा सकते हो। उसके बाद फॉन्ट वाले और कमांड देखनी है, तो आप जैसे हमने स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू तो देख ही ली थी, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स ये भी देख लो। स्मॉल कैप्स वैसे मैं क्लिक करूँ, ओके करूँ, तो देखो सब कैपिटल लेटर्स में आ गए। बस एक ही चीज़ है कि स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है वो थोड़ा सबसे बड़ा दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो बड़ा दिखेगा और बाकी सब आपको यहाँ पे छोटे दिखेंगे, बट सब कैपिटल लेटर्स में ही है, तो ये स्मॉल कैप का यूज हुआ। इसके अलावा आप और दूसरे ऑप्शंस देखने हैं, जैसे हिडन, तो मान लो मेरे को यहाँ पे ये जो दिस वाज एब्स्ट्रैक्ट है इसको
सॉरी यहाँ पे दो है, मान लो मेरे को दोनों को ही हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे इसको हिडन पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो देखो ये हाइड हो गया, ये डिलीट नहीं हुआ है। इसको आपको फिर से दिखाना है तो आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो, आप कंट्रोल ए करो और यहाँ पे आओ वापस, और यहाँ पे आप हिडन वाले ऑप्शन को हटा दो। ओके, तो देखो ये वहां पे फिर से आ गया, दिस वाज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। तो ये फॉन्ट के कुछ कुछ ऑप्शन है फॉन्ट फॉर्मेटिंग में, आप एडवांस वाले ऑप्शन है वो भी खुद से चेक कर सकते हो। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया, तो जो अंडरलाइन वाला ऑप्शन है, तो अभी जैसे अंडरलाइन करूंगा तो जितना भी डेटा है मैंने सेलेक्ट किया है उसमें सबके नीचे अंडरलाइन आ गया, चाहे एक स्पेस भी हो उसके नीचे भी अंडरलाइन आ गया। तो अगर हम चाहें कि जहां जहां पे हमने वर्ड टाइप किए हैं सिर्फ वहीं पे अंडरलाइन आओ, तो जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा अंडरलाइन वाले पे, उसके बाद मोर अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं ना फॉन्ट के, वो आ गए हैं। तो अभी आपको अंडरलाइन स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे वर्ड्स ओनली सेलेक्ट करके आपको ओके करना है। तो देखो अभी जहां जहां पे वर्ड्स है बस उन्हीं के नीचे है वो अंडरलाइन आया है। तो ये एक ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। तो जितने भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ वो आप पैरेलली मतलब साथ साथ में आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में खुद से ट्राई करो, तो उससे आपका हाथ जल्दी बैठेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप सीखोगे, अदरवाइज जो भी मैं बता रहा हूँ बस आपको याद हो जा रहा है, लेकिन आप जब खुद से करोगे तो चीजें हो सकता है अच्छे से समझ ना आए, लेकिन साथ साथ में करने से आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट हम सीखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ऑप्शंस दिखेगा बुलेट लाइब्रेरी। ओके, तो जैसे मैं ये नीचे वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके बुलेट लाइब्रेरी पर क्लिक करता हूँ, तो देखो बाय डिफॉल्ट ये बुलेट्स है, जो गोल गोल बुलेट्स दिख रही है वो आ गए हैं। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, आप इस एरो पे क्लिक करो आपको अलग अलग टाइप की बुलेट्स दिखेगी। देखो मैं इनको सेलेक्ट करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही अपने डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पे ये खाली सर्किल वाली है, ये यहाँ पे स्क्वायर वाला है, तो अलग अलग टाइप की बुलेट्स है। आप खुद से भी बुलेट्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे कुछ सिंबल डाल सकते हो, मतलब इसमें आपको कोई भी एक सिंबल अच्छा दिख रहा है, जैसे मेरे को ये आर अच्छा लग रहा है, ओके कर दूँ ओके, तो देखो सबके आगे आर आ गया। तो ऐसे आप खुद से भी बुलेट डिफाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे पिक्चर भी डाल सकते हो, कोई पिक्चर इंपोर्ट करके, जैसे आप लैपटॉप से कुछ पिक्चर इंपोर्ट करके भी उसे ये बुलेट दिखा सकते हो। तो ये बुलेट के ऑप्शन है, बट इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन है वो आपकी ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारे ऑप्शन भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। चेंज लिस्ट लेवल है तो इसमें भी आप ऐसे अलग अलग टाइप के ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आपको राइट में यहाँ पे नंबरिंग वाला ऑप्शन दिखेगा पैराग्राफ में। ओके, अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ। आप नंबरिंग वाले ऑप्शन में नंबरिंग जैसे देखो 1 2 3, तो ये अलग अलग टाइप के नंबरिंग के ऑप्शन है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। आप खुद से भी एक नंबरिंग फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये नंबरिंग वाला फॉर्मेट हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टी लेवल लिस्ट दिखेगा, तो इसमें आप जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट किया, अभी के लिए ये सिंगल लेवल है, बट मैं जैसे इस पर टैप दबाऊंगा तो देखो नेक्स्ट में आ गया, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो आपको कोई भी एक लाइन पे आना है और टैप पे क्लिक करना है, जैसे मैं न्यू पे क्लिक करके आगे जाऊँ तो देखो ये थर्ड लेवल लिस्ट पे चला गया, ओपन पे क्लिक करके और आगे टैप लिस्ट दबा दूँ तो ये फोर्थ लेवल लिस्ट हो गया। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट वाला ऑप्शन हो गया। ओके, इसमें आपको अलग अलग टाइप की लिस्टिंग वाले ऑप्शन दिखेंगे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ और आपको जिस भी टाइप का, जैसे ये बुलेट्स वाला देना है तो देखो ये बुलेट्स वाला मल्टी लेवल लिस्टिंग हो गया, नंबर वाला करना है तो आप नंबर वाली मल्टी लेवल लिस्टिंग कर दो। ऑलराइट, तो ये सारे ऑप्शन है, इसमें भी आप खुद का कुछ कस्टम लिस्ट डिफाइन कर सकते हो, पिक्चर या जो भी आपको डालना है। ऑलराइट, तो ये भी ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है जब आपके डेटा में बहुत सारी सब हेडिंग्स टाइप हो, तो आप मल्टी लेवल लिस्टिंग है उसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, मैं अभी के लिए फिर से इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ। उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट है, उसके आपको राइट में यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा डिक्रीज इंडेंट और उसके राइट में दिखेगा इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट मतलब जैसे हम देखते हैं पहले ये है अपना डिक्रीज इंडेंट, तो अभी के लिए काम नहीं आ रहा, बट इंक्रीज इंडेंट करोगे तो देखो राइट में टेप बाई टेप शिफ्ट हो रहा है, मतलब आप एक बार टेप को प्रेस करोगे उतना ही इंडेंट आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
मतलब आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप डिक्रीज इंडेंट करोगे तो उतना ही ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में कहीं टेक्स्ट एडजस्ट करना है तो आप डिक्रीज इंडेंट की हेल्प भी ले सकते हो। उसके बाद आप अगर डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हो, जैसे मैं ये सारे जो भी रोज है, जो भी लाइंस है, इनको सॉर्ट करना है, तो मैं इनको सॉर्ट भी कर सकता हूँ। ओके, तो देखो ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया। मैं इसको उल्टा डिक्रीजिंग वे में, डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करना चाहूँ, डिसेंडिंग वे, तो यहाँ डिसेंडिंग सेलेक्ट करो और ओके कर दो। तो देखो यू वाली चीज़ें पहले आ गई, यू आर क्यू ओ एन। तो ये इससे आप अपना टेक्स्ट डेटा है उसको भी आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ राइट में पैराग्राफ मार्किंग का ऑप्शन दिखेगा, मतलब आप पैराग्राफ मार्किंग को शो करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे मार्क कर देता हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस टाइप में जाना है और मार्क एंट्री पे क्लिक करना है और मार्क कर देता हूँ लेट्स से। तो देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ्स है उनको ये मार्क कर दिया है। अगर मेरे को इसको हाइड करना है तो देखो अभी के लिए आपको पैराग्राफ में यहाँ पे जो मार्क वाला ऑप्शन दिख रहा है वो हाईलाइटेड है, मतलब मार्किंग दिख रहा है। अगर आप इसको हाइड कर दोगे तो देखो जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ मार्किंग था वो हट गया है, मतलब वो हाइड हो गया। तो ये ऑप्शन उसके लिए है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ में नीचे वाली लाइन में लेफ्ट में ऑप्शंस दिखेंगे अलाइनमेंट के। तो पहला ऑप्शन है वो है अलाइन लेफ्ट का, मतलब जैसे ऑलरेडी अपना डेटा अलाइन लेफ्ट है, इसको मैं अलाइन राइट करता हूँ। तो देखो एकदम राइट साइड में अलाइन हो गया है। इसको अलाइन लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट में ऐसे अलाइन हो जाएगा। और ये है वो आपका सेंटर अलाइन, इस पर क्लिक करोगे तो सेंटर में अलाइन हो गया। और यहाँ पे है वो है जस्टिफाई, तो ये ट्राई करेगा कि जितने भी लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे पहला पैराग्राफ है वो बेटर सूट करेगा। तो इसमें आप जस्टिफाई वाला ऑप्शन देखोगे तो एकदम बराबर लेफ्ट और राइट में एडजस्ट हो जाएगा सेंटेंस। ओके, तो ऐसे आप अपने डेटा को अलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट डेटा को। उसके बाद आपको यहाँ राइट में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो मान लो कि मेरे को एक और पैराग्राफ इंसर्ट करना है और उसमें हमें 5 लाइन्स इंसर्ट करनी है, तो आप RND 1.5 लिखोगे ब्रैकेट में और एंटर करोगे तो ये पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा जिसमें 5 लाइन्स रहेगी रेंडमली। ओके, तो पहला ऑप्शन जैसे हम देखते हैं यहाँ, इसको सेलेक्ट कर लिया डेटा को और उसके बाद आप लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग पे आओ या एरो पे क्लिक करो। जैसे जैसे आप ये स्पेसिंग को बढ़ाते जाओगे देखो वैसे वैसे आपको दिख रहा है कि आपकी लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। ओके, जैसे हम यहाँ पे 1.15 रख देते हैं। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में, और कुछ अलग से कमांड्स रहेगी वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेस एड हो जाएगा। इसमें है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद अगर कुछ स्पेस रिमूव करना है तो आप कर सकते हो। तो ये अगेन पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग है। उसके बाद हम राइट में यहाँ शेडिंग वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मैं कोई एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और शेडिंग लगा देता हूँ, तो ये शेडिंग हो गया। अभी आपका कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ शेडिंग और जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट हाईलाइट कलर किया था उनमें डिफरेंस क्या है। तो इस टेक्स्ट डेटा में आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, लेट्स से मैं इंसर्ट पे गया और टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ हेलो। और यहाँ पे अब हम दोनों ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर करके देखता हूँ, इसको ग्रीन लगाता हूँ। तो देखो जितना टेक्स्ट था वही हाईलाइट हुआ है। शेडिंग में क्या होता है, वो बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है। तो ई टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं शेडिंग करूंगा, तो देखो ये पूरा सेल है वो सेलेक्ट हो गया, मतलब टेबल के अंदर का सेल है वो सेलेक्ट हो गया। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग में ये डिफरेंस है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर टेक्स्ट के पीछे का जो कलर है वो चेंज करता है, बट जो शेडिंग है वो पूरा बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शेडिंग के राइट में बॉर्डर्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आप अपने टेक्स्ट डेटा पे बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, तो अलग अलग टाइप के बॉर्डर से आप लगा सकते हो। इसमें आप ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, वो भी कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ टेबल करते हैं, तो ये ऑप्शन लिया और यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया। लेट्स से उसमें एक कॉलम है, सॉरी
दो कॉलम है और दो रोज है, तो ऐसे आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो सॉरी। और भी इसमें काफ़ी ऑप्शंस है, जैसे आप ग्रिड लाइन को व्यू कर सकते हो, यहाँ पे आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग है वो भी देख सकते हो। तो ये सब ऑप्शन है, वो है आपके यहाँ पे बॉर्डर वाले सेटिंग में। पैराग्राफ की बॉर्डरिंग करनी हो तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम सीखेंगे स्टाइल्स के बारे में। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के राइट साइड में आपको यहाँ स्टाइल्स दिखेगा, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप का स्टाइल्स दिखेगा। ओके, तो जैसे मैं ये लेक्चर वन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और स्टाइल्स पे अगर अपना कर्जर घुमाऊँ, जैसे नॉर्मल था ये नो स्पेसिंग हो गया, मतलब दो लाइंस के बीच में स्पेस ना हो। उसके बाद हेडिंग वन, हेडिंग टू या टाइटल, सब टाइटल, इस एरो पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे और अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, आप यहाँ क्रिएटिव स्टाइल, मतलब इस पे क्लिक कर आप खुद का एक स्टाइल बना सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये वही है जो आपका यहाँ पे फॉन्ट में जो क्लियर फॉर्मेटिंग था वही ऑप्शन यहाँ पे। अप्लाई स्टाइल्स, मतलब स्टाइल्स अप्लाई करो तो और कुछ कुछ स्टाइल्स के ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे मैं बेसिक कोई स्टाइल लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लेक्चर वन पे मैं सिलेक्ट करके इसको हेडिंग वन दे देता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको हम हेडिंग टू दे देते हैं। और जो न्यू ओपन ऑटो सेव अंडू रीडू है, इसको हम हेडिंग थ्री दे देते हैं। तो अभी हमें इतना फर्क पता नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत बस इनकी फॉर्मेटिंग में डिफरेंस दिख रहा है। बट मान लो कि यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे आप अगर इंसर्ट वाली टेप पे जाओगे, नॉट इंसर्ट सॉरी, आप रेफरेंसेज वाली टेप पे जाओ और आप टेबल ऑफ कंटेंट से उसमें आप कंटेंट इंसर्ट करो, तो देखो अभी आपको क्लियरली दिख पा रहे हैं कि ये लेक्चर वन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, न्यू ओपन, तो ये सब ऑप्शन है वो, क्योंकि आपने ये सारे जो भी कंटेंट था उसको अलग अलग टाइप के हेडिंग्स असाइन किए हुए थे। जैसे लेक्चर वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स है, इसको आपने हेडिंग वन असाइन किया था तो सबसे टॉप पे, क्विक एक्सेस टूल बार को आपने हेडिंग टू असाइन किया था तो सेकेंड नंबर, फिर न्यू ओपन ऑटो सेव थ्री, तो ये सब हेडिंग्स क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे। फिर से होम टैब पे आते हैं, तो ऐसे ही आप और अलग अलग टाइप की स्टाइल से उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगी ये चीज़ें। ऑलराइट, उसके बाद स्टाइल्स के राइट में आपको यहाँ फाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो हमने लेक्चर वन में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में था, वहाँ पे हमने सर्च वाला ऑप्शन एक्सप्लोर किया था। तो और वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि कैसे सर्च और फाइंड वाले ऑप्शंस अलग है। सर्च में क्या है, ये अलग अलग टाइप के सर्च करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड है, उसमें मान लो कि मैं सर्च करता हूँ वर्ड। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये वर्ड शब्द है वो सात जगह आया हुआ है, जैसे यहाँ लेटिन वर्ड या की वर्ड में है वर्ड में। तो फाइंड है वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है वहीं सर्च करता है, बट सर्च में ये यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में भी सर्च करता है। इसके अलावा आपकी कोई कमांड लाइन से उसको भी चेक करता है कि उनमें कोई कहीं पे वर्ड है या नहीं है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की जो खुद की गाइडलाइन है उनमें भी चेक करता है। इनके अलावा आपको अलग से और ऑप्शन देता है कि आप जो वर्ड शब्द है उसको ब्राउज करो, गूगल कर सकते हो, तो और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो थोड़ा और बेटर वे में सर्च करके देता है आपको। बट यहाँ पे जो फाइंड ऑप्शन है वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में क्या है वही आपको पता करके देगा। फाइंड के राइट में आपको एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो और ऑप्शन देख सकते हो। जैसे एडवांस फाइंड है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। ओके, तो रिप्लेस मतलब जैसे जहाँ पे भी वर्ड है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे वर्ड है उसको मैं मान लो कि लिख दूँ वर्डिंग, राइट। और अगर सभी जगह रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस ऑल करूँगा, अगर एक ही जगह रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करूँगा। गो टू में आपको एक स्पेसिफिक पेज पे जाना है या लाइन पे जाना है या कोई पर्टिकुलर बुक मार्क पे जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। आपको जैसे कोई पर्टिकुलर कमेंट पे जाना है तो किसके कमेंट पे जाना है, मान लो ये डॉक्यूमेंट पांच लोग मिलके बना रहे और मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर बंदा है उसका नाम है अमन, तो वो जहाँ पे भी कमेंट किया वो देखना है, तो मैं यहाँ पे अमन का नाम टाइप करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। तो इससे अमन ने कहीं पे भी अगर कमेंट किया है तो वो वहाँ पे लेके चला जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है। अगर पेज मतलब मान लो मेरे को दो नंबर पेज पे जाना है तो मैं टू करके गो टू करूँगा, तो देखो ये मेरे को सेकेंड पेज पे ले गया। तो ये थे फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शंस। अगर आपको इनकी शॉर्ट कीज जाननी है तो आपको कंट्रोल एफ करना है,
तो आपको यहाँ वर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आप कंट्रोल एच करोगे तो रिप्लेस आएगा, और आप कंट्रोल जी करोगे तो आपको यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिखेगा। तो ये तीन सॉर्ट कीजिए जिनसे आप डायरेक्टली फाइंड, रिप्लेस या गो टू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। फिर आपको यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारा डेटा है वो सेलेक्ट हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट में जितना भी आपने टेक्स्ट एंटर किया वो सेलेक्ट हो गया। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए है, तो आप वो यूज़ करके भी पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे यहाँ सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग दिखेगा, ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये न्यू वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग करता हूँ, तो देखो जहाँ जहाँ पे भी ये फॉर्मेटिंग था वो डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। आप देखो अब यहाँ पे सबका फॉर्मेटिंग एक साथ चेंज कर सकते हो, जैसे सबको रेड कर दिया, ओके, सबका यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। तो ऐसे आप अगर आपका बड़ा डॉक्यूमेंट है और जहाँ पे भी आपने सेम फॉर्मेटिंग लगाया है अगर उसको चेंज करना है तो इस तरीके से आप एक साथ चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको राइट में यहाँ वॉइस वाला सेक्शन दिखेगा, तो इसमें आप डिक्टेट वाला ऑप्शन देख सकते हो। तो आई होप आपके वर्ड में भी ये सब कमांड्स है, अगर नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट जिन जिन के पास है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि डिक्टेट से आप कोई भी चीज़ है उसको बोल के भी यहाँ टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा सकते हो। मतलब अगर वर्ड में हम टाइप करते करते बोर हो गए हो तो आप यहाँ पे बोल के भी टेक्स्ट में कन्वर्ट या डेटा राइट करवा सकते हो। तो जैसे मैं एक डेमो दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। Hi, I am using Dictate for the first time and it's feeling amazing. तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने स्टॉप कर दिया, बट आई मीन रिज्यूम कर दिया अभी के लिए। तो आप देख सकते हो जो भी मैंने बोला है वो यहाँ पे वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, मतलब समझ गए होंगे आप कि आप कहीं बोर हो गए आपको बस बोलना है तो ये अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट में आपको रीयूज फाइल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि अगर आपने रिसेंटली कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स ओपन की है जैसे वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल शीट्स, तो आप उन फाइल्स को ओपन कर सकते हो या उनके लिंक के उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में आपको क्लिप बोर्ड वाला सेक्शन दिखेगा जिसमें पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर्स का ऑप्शन है। तो इसमें इसके लिए लेट्स से मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद आप कट करोगे तो यहाँ से कट हो जाएगा पूरा ही, मतलब कंट्रोल एक्स करके भी आप कट कर सकते हो, कॉपी मतलब कंट्रोल सी, तो आप कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर सकते हो। तो लेट्स से हम इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ आप पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट में आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन सीखेंगे, एकदम सिंपल पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल वी करना है, तो ये कंट्रोल वी है, इसमें सोर्स की फॉर्मेटिंग भी रहेगी। दूसरा टाइप का कुछ पेस्ट करना है, मान लो कि हमें यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग वाला पेस्ट करना है तो इस तरह पेस्ट हो गया। अगर आपको इसे एज ए पिक्चर पेस्ट करना है तो आप इसे एज ए पिक्चर पेस्ट कर दो। तो यहाँ लग सिंपल सा टेक्स्ट है बट ये एक फ़ोटो हो गया। देखो यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो गया पिक्चर फॉर्मेट वाला, मतलब ये एक फ़ोटो है अभी, ये एक इमेज है, ये टेक्स्ट नहीं रहा अभी। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर सिर्फ टेक्स्ट डेटा एंटर करना है, मतलब आपको फॉर्मेटिंग नहीं रखना है, तो देखो ये सिर्फ टेक्स्ट डेटा है, राइट? तो ये सारे पेस्ट के ऑप्शन से, इसके अलावा भी आप पेस्ट के कुछ ऑप्शन से खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि आपने कहीं पे भी कुछ फॉर्मेटिंग लगाया है और बस आपको वो फॉर्मेटिंग कोई दूसरी जगह लगाना है तो आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी शॉर्टकट है, आपको कहीं पे भी फॉर्मेटिंग रेप्लिकेट करना है या कॉपी करना है तो डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर यूज करो। तो डेमो दिखाने के लिए लेट्स से मैं न्यू वाला फॉर्मेटिंग है इसको न्यू को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। एक तो आप सिंगल क्लिक करके, एक बार के लिए यूज करना है तो आप सिंगल क्लिक करके कहीं पे भी लगा दो। जैसे मैं ई चदर पे लगाऊंगा तो देखो ये ई चदर पे एकदम न्यू वाला फॉर्मेटिंग लग गया और यहाँ पे अब ये फॉर्मेटिंग का आइकन हट गया है। अगर मेरे को ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पे लगाना है तो मैं दूसरा तरीका है फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करने का, वो है आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो और फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक। तो देखो अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का आइकन आया, मान लो मेरे को यहाँ मैचिंग पे लगाना है,
आ गया। उसके बाद मान लो कि मेरे को यहाँ डॉक्यूमेंट पे लगाना है, ओके पूरे पे नहीं लगा सॉरी। उसके बाद मान लो फुटर पे लगाना है, तो ऐसे आप इसको वन टाइम सेलेक्ट करके मल्टीपल जगह आप इसको रेप्लिकेट करवा सकते हो। अगर ये ऑप्शन आपको हटाना है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का जो आइकन दिख रहा है, तो आपको ESC की प्रेस करना है, तो ये हट गया। तो ये था फॉर्मेट पेंटर, जो आपको अगर कहीं पे भी फॉर्मेटिंग रेप्लिकेट करना है या कॉपी करना है तो आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। इसके बाद हम क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। तो क्लिपबोर्ड में क्या है कि आपने जितना भी डेटा मान लो कॉपी किया है, मान लो कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऑनलाइन को कॉपी किया कंट्रोल सी, उसके बाद मैंने वीडियो को कॉपी किया कंट्रोल सी, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी, मैंने बहुत डेटा एक साथ कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, ओके। अब मान लो कि मेरे को जो सबसे पहले कॉपी किया ऑनलाइन वो मेरे को कहीं पर पेस्ट करना है, तो अब वो तो आप डायरेक्ट कंट्रोल भी करोगे तो रहेगा नहीं, सिर्फ आपका जो आपने माइक्रोसॉफ्ट कॉपी किया है बस वही रहेगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट रहेगा वहाँ पे। बट क्लिपबोर्ड की मदद से आपने जो पहले कॉपी किए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको उसके लिए क्लिपबोर्ड वाले इस एरो पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि रिसेंट कॉपी है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, उससे पहले आपने वीडियो कॉपी किया था, उससे पहले आपने ऑनलाइन कॉपी किया था, तो मेरे को कहीं पर ये वर्ड पेस्ट करना है, देखो ऑनलाइन। ऐसे ही आपका बहुत बड़ा टेक्स्ट आपने कॉपी किया है तो उसको भी आप रेप्लीकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड का यूज़ आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि इससे क्या है, आप बहुत अलग अलग टाइम पे कॉपी किए हो डेटा को, तो आप वहाँ पे हिस्ट्री में जाके आप कोई पुराना कॉपी टेक्स्ट है उसको कहीं पेस्ट करवाना हो तो वो भी कर सकते हो। तो क्लिपबोर्ड में वो सब चीज़ें वो स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे होम टैब के सारे ऑप्शंस या जो भी कमांड्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप हमने जो भी यहाँ पे कमांड्स या सेक्शंस कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपका फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको पता ही आपको क्या करना है, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे की जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।